चले। गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। चलिए आज एक चैप्टर पढ़ते हैं मैथ्स में। एक चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। आज एकदम बेसिक है तो इस पर आज हमको फॉर्मूला बताते हैं और एकदम बेसिक से। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि सबसे प्रॉफिट और लॉस में दो चीज़ सबसे पहले जानना है कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। आइए प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानते हैं। प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? प्रॉफिट होता कब है? तो देखिए, प्रॉफिट तब होता है, प्रॉफिट पे क्या होता है कि आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। अब सेलिंग प्राइस होता क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है तो समझिए। जब आप कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। आपने कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। लेकिन आपने कोई वस्तु को उसको 120 रुपये में बेच दिया तो उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। लेकिन अगर एक बात को समझिए कि प्रॉफिट कब जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट कब होता है? प्रॉफिट तब जनरेट होता है जब क्या होता है कि SP आपका बड़ा हो और CP आपका छोटा। SP बड़ा है, CP छोटा है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब CP बड़ा हो जाएगा और SP छोटा हो जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और आपने 80 रुपये में कोई वस्तु को बेच दिया तो उस कंडीशन में आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है? और उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि CP जो है ज़्यादा हो जाएगा और SP कम हो जाएगा। आइए कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं स्टार्टिंग से एकदम। देखिए, जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस घटा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूँ कि मैंने कोई वस्तु को 120 रुपये में बेचा और 100 रुपये में मैंने खरीदा था। अब मैंने 100 रुपये में खरीदा था तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपये। ये है फॉर्मूला पहला कि प्रॉफिट अगर चाहिए तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है? लॉस में क्या होगा, लॉस कंडीशन कब होगा? अभी मैंने बताया, जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको 80 रुपये में बेच दिया तो आपको क्या हो गया, 20 रुपये का लॉस हो गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आता है इसमें क्या कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा कैलकुलेट CP पे होता है। CP यानी कॉस्ट प्राइस, हमेशा CP पे होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कैलकुलेट CP पे ही होता है। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ठीक है? हिंदी में देख लीजिए, लाभ बाई क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है? लेकिन जब लॉस हो तो लॉस के लिए फॉर्मूला देखिए, लॉस हो तो क्या होगा, लॉस बाय CP इंटू 100, यानी कि हानि बाय क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपको कंडीशन आता है, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया। अब मान लीजिए कि आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए। ठीक है? कॉस्ट प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस पर आपने बेच दिया। मान लीजिए आपने कहा कि मैंने कोई वस्तु को 10,000 रुपये में बेचा और मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया। 10,000 रुपये में बेचा और मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? तो इस कंडीशन में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या फिर सेलिंग प्राइस इंटू 100 100 माइनस लॉस परसेंट। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के कंडीशन में आप प्रॉफिट परसेंट लगाओगे, जब लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट पर लगाओगे। फॉर एग्जांपल, इसका हम एग्जांपल देके क्लियर करते हैं। मान लीजिए मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है। मैंने क्या किया, कोई वस्तु का था मेरे पास, एक वॉशिंग मशीन था, ध्यान सुनिएगा, कोई एक वॉशिंग मशीन था, मैंने उसको 10,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है? तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है? 10,000 रुपये मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो गया। उसको क्या किया मैंने, बेचा मैंने 10,000 रुपये में, और घर पे आकर अपनी मम्मी से कहता हूँ, मम्मी मैंने 10,000 रुपये में वॉशिंग मशीन को बेच दिया। मैंने कॉस्ट प्राइस नहीं बताया घर में, बस इतना कहा कि मैंने 10,000 रुपये में अपना जो मशीन था मेरा, वॉशिंग मशीन, उसको मैंने 10,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है? तो मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए मम्मी, तो बताओ क्या बताएंगे? तो फिर मैं क्या बोलूँगा, मुझे बेचने पर क्या हुआ ना, 20% प्रॉफिट हुआ। ये भी मैंने बोला, मम्मी जब मैंने बेचा ना तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ। तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100, अब मैंने कितना बोला, प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 20% मैंने बोला, 20%। ठीक है? देखिए कैसे पुट करेंगे, 10,000 इंटू 100 बाय, ये दोनों हो जाएगा 120। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटा 3 बार में 4 दूनी 8 2 5 00। ठीक है? अब इसको इंटू करूँगा तो क्या आएगा, 2500 और फिर 10,
यानी 25,000/3। अब इसको मैं फिर फर्दर करूंगा तो क्या आएगा, 3 देखिए 3 3 8 24, 1 बचा, 1 पे 0, 3 बार में 9, 1 बचा, 1 पे 3, फिर 3 बार में, फिर 1 पे 3 3, और ये 1। अब ये कैसे किया ये देखिए, आप जानना चाहते हो तो देखिए, 3 से मैं डिवाइड मारूंगा 25,000 को, 3 8 जा 24, 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, कितना आया 833, और यहाँ पर 3 है, ये 3 जो था 3, यहाँ पर नीचे जो है 3 रहेगा, इसको ये लिखा और जो रिमाइंडर बचा था वो ऊपर चला गया, यानी मैंने खरीदा कितना में था 8,333.13, यानी 13 बोल करके आप बोल सकते हो 33, यानी 8,333.33 रुपये में मैंने खरीदा था जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो उस केस में। लेकिन हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हमको प्रॉफिट ही हो सकता है कभी लॉस भी हो जाए, तो लॉस के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, चलिए आइए इसी को समझते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए मैंने बोला कि मैं 10,000 रुपये में क्या किया, उस मशीन को बेच दिया, उसी मशीन को बेच दिया, और मैंने घर पे कहा कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया। हो सकता है मैंने लॉस भी बोल दूँ कि भैया मैं 10,000 रुपये में बेचा और मुझे 20% का लॉस हो गया, इसका मतलब सीपी ज़्यादा रहा होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, एसपी लगाएंगे 10,000 रुपये। देखिए एसपी लगाया 10,000 रुपये इंटू 20%, मुझे 20% का लॉस हो गया, तो जब 20% का लॉस हुआ तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, ये लगाओगे 100 माइनस 20% यानी 20%, क्लियर है। अब देखिए 10,000 × 100/80, अब इस कंडीशन में क्या करूँ, देखिए 20 से काटा 4 टाइम, 20 से काटा 5 टाइम, 4 से कैंसिल किया, 4 2 8, 2 बचा, 2 पे 5 0, 25, फिर 00, तो कितना हो गया 2,500 × 5, डैट मीन्स 12,500 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस मेरा क्या रहा था 12,500 रुपये में, लेकिन बेचा मेरा कितना में 10,000 रुपये में, तो मुझे 2,500 रुपये का लॉस हो गया, क्लियर है। ये बेसिक है, तो बेसिक के लिए आपको हम इस फॉर्मूला के थ्रू चल रहे हैं, बाकी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, और कुछ फॉर्मूला है देखिए, चलिए आइए आप जानते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। आपने कोई वस्तु 10,000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और आपने बोला कि 10,000 में ख़रीदने के बाद मैंने उसको 20% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। कभी कभी ये भी तो आप बोलोगे कि सर जब मैंने खरीदा तो क्या हुआ कि लॉस भी हो गया, तो पहले आप जब पहले प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के लिए क्या यूज़ करोगे, प्रॉफिट के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। क्या फॉर्मूला है, मान लो आपने कहा कि मैंने 10,000 रुपये में कोई वस्तु को ख़रीदा, ठीक है, और मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया या 25% का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया, तो आपका एसपी क्या रहा होगा। देखिए 10,000 रुपये में आपने ख़रीदा है, ये हो गया 125/100, 25 से 4 टाइम, 25 से 5 टाइम, 4 से कैंसिल किया, 2,500 × 5, 12,500, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब इसी में आप यूज़ कर सकते थे एमआरपी, जब दिया रहेगा इस क्वेश्चन में एमआरपी भी दिया रहेगा, एमआरपी क्या होता है अभी आगे बताएंगे कि एमआरपी क्या होता है, उसमें से डिस्काउंट परसेंट माइनस कर दीजिएगा और 100 से डिवाइड कीजिएगा तो भी आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखिए पहले एमआरपी होता है क्या वो तो जाने, चलिए आगे चलते हैं। एमआरपी होता क्या है, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, मान लो आपने एक कोलगेट खरीदा, उसके पीछे लिखा रहता है एक टैग कि इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है 10 रुपया। अब इससे ज़्यादा आपको दुकानदार बेच नहीं सकता, हो सकता है कि आपको थोड़ा कम में बेच दे, आप उसको जान पहचान के हो, लेकिन 10 रुपया ज़्यादा आप बेच नहीं सकता, अगर बेचेगा भी तो आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते, ठीक है।
और एक चीज़ और याद रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा आपको MRP पे ही मिलता है, डिस्काउंट हमेशा आपको MRP पे ही मिलता है, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है MRP पे, याद रख लीजिए, डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन MRP। और जब डिस्काउंट देते हैं तो क्या कंडीशन बनता है, डिस्काउंट देते समय MRP में से आपको SP घटाना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें हम एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखिए, मैंने कहा कि MRP क्या है, 10 रुपये है। आपने क्या किया, उसको बेच दिया 9 रुपये में, 9 रुपये में आपने उसको बेच दिया, ठीक है। कोई जान पहचान का पर्सन होगा, आपका, तो आपने क्या किया, 9 रुपये में बेच दिया उसको, ठीक है। 10 रुपये में आपको देखा मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है उसका, कोलगेट का 10 रुपये। तो कोई आपका जान पहचान कोई व्यक्ति आया होगा, तो आपने क्या किया उसको, चलो भाई मेरा दोस्त है, मेरा पहचान का है, तो उसको 9 रुपये में दे देते हैं। तो आपने डिस्काउंट कहाँ दिया, डिस्काउंट दिया किससे, MRP से। तो डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है MRP पे, MRP पे सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं तो कितना निकलता है, वो निकलता है डिस्काउंट। तो यही है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा, बट्टा का मतलब होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब कंडीशन होता है डिस्काउंट परसेंट, इसी में अगर डिस्काउंट परसेंट अगर बोले तो डिस्काउंट परसेंट मैंने दिया कितना, डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो देखिए डिस्काउंट कितना दिया मैंने, 1 रुपया डिस्काउंट दिया, 1 रुपया किस पे दिया, MRP पे। MRP था कितना, 10 रुपया इंटू 100। मैंने कितना परसेंट दिया डिस्काउंट, 10% का मैंने डिस्काउंट दिया। तो याद रखिए डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट बाय MRP इंटू 100। डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है MRP पे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 810 रुपीज एट प्रॉफिट ऑफ 12.5%। अब 12.5% को आप चाहो तो 112.5 लेकर भी बना सकते हो, लेकिन इससे अच्छा है कि आप रेशियो मेथड का यूज करें, ठीक है। आइए चलते हैं, कॉस्ट प्राइस चाहिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस यानी CP चाहिए मुझे, ठीक है। विच इज सोल्ड एट, इसको आपने बेचा कितना में, बेचा है मतलब विच इज सोल्ड एट मतलब SP आपने बेचा कितना में, 810 में, ठीक है, 810 में बेचा, जिसमें आपने कहा कि मुझे बेचने पर प्रॉफिट हुआ। तो बेचने पर अगर प्रॉफिट हुआ है 12.5%, तो आपने कहा प्रॉफिट हुआ है मुझे, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 12.5% प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक कंडीशन जानना होगा, 12.5% का आप लिखते कैसे है। तो देखिए 12.5% को आप करते कैसे, 12.5% लिखा आपने, और जैसे ही परसेंट लगा हुआ है तो बाय में 100 डाली, ठीक है। ये पॉइंट जो दिया है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसको हटा दीजिए, तो एक जीरो यहाँ लगा दीजिए। 25 पे टेबल से काटिए 5, 25 पे टेबल से 40, फिर काटिए 1, फिर 8, तो इसका वैल्यू क्या है रेशियो में, 1/8। इसका मतलब होता है इसका वैल्यू 1/8 है। नीचे वाला जो 8 आया है वो आपका CP है, नीचे जो आएगा वो हमेशा ही CP होगा, ठीक है। यानी आपने खरीदा कितना में है, 8 रुपये में, और आपको खरीदने के बाद जो ऊपर आया है वो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना यूनिट हुआ, आपने 8 यूनिट में खरीदा और 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितना यूनिट का लिया, पैसा कितना ले लिया आपने, 9 यूनिट, तभी वो बन गया आपका SP। तो 8 यूनिट आपने खरीदा, 1 यूनिट प्रॉफिट हुआ, तो 8 और 1 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है SP, 810 रुपये। मुझसे पूछा क्या है, CP था कितना, 8 यूनिट, तो 9 यूनिट का वैल्यू देखिए कितना है, 9 9 जा 81 और 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 1 यूनिट का वैल्यू 90। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 90 × 8 यानी 720 रुपीज, यानी मैंने खरीदा कितना में था, 720 रुपये में। ये हुआ रेशियो मेथड, देखिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसे ही कहते हैं रेशियो मेथड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ए बाइज ए स्कूटर, एक ने एक ए नाम का एक बंदा है जिसने क्या किया, स्कूटर खरीदा 6800 रुपये में, और उसने खर्च कर दिया क्या, 1200 रुपये उसके रिपेयर में। अगर वो स्कूटर को बेचता है 9200 में तो उसको गेन परसेंट बताना है। अब मान लीजिए वो बंदा मैं ही हूँ, तो एक बात को समझिएगा कि अगर मैं 6800 में कोई स्कूटर खरीद के लाया और वो स्कूटर जो था कुछ रिपेयरिंग कराना पड़ गया, 1200 रुपये खर्च हो गया, तो खर्च मेरा ही हुआ,
तो 6800 रुपया प्लस 1200 रुपया तो मैंने कितना खर्च कर दिया, 8000। देखिए 6800 रुपया तो मैंने परचेस किया प्लस 1200 रुपया तो खुद का मेरा खर्च हुआ, मेरा पैकेट से गया तो कितना खर्च कर दिया मैंने, 8000। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया है, बेच दिया स्कूटर को 9200 में, तो बेचा कितना मैं 9200 में, तो ये हो गया मेरा SP। क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर SP बड़ा है और CP छोटा है तो इस कंडीशन में क्या बोला था, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना है भाई वो देखना है, तो प्रॉफिट कितना होगा उसके लिए क्या करोगे, SP माइनस CP। तो SP है कितना, 9200 माइनस 8000 कितना है, 1200 रुपीज़। यानी 1200 रुपीज़ क्या है मेरा प्रॉफिट है। अब मुझे क्या पूछा है, गेन परसेंट पूछा है यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दिखा मुझे 1200 रुपया, 1200 रुपया बाय में CP कितना, 8000। CP कितना है, 8000, CP 8000 और इंटू 100, 1 2 1 2, 20 से 5, 20 से 4, 4 से काटा 3, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ मुझे, 15%। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दो मोटर कार से जो कि बेचा गया कितना, 9900 में, और प्रत्येक में 10% का प्रॉफिट हुआ, एक में भी 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में क्या हुआ, 10% लॉस हुआ, तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, जब भी ऐसा कंडीशन रहे कि एक में प्रॉफिट 10% हो रहा है, दूसरे में लॉस 10% हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जनरली लॉस ही होगा, 99.99% लॉस ही होगा। क्यों, तो उस कंडीशन में एक में क्या हो रहा है, 10% प्रॉफिट और दूसरे में 10% का लॉस हो रहा है, तो उसमें लॉस ही होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एक एक्स स्क्वायर बाय 100। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर आप रेशियो भी कर सकते हैं। तो पहले आप इस फॉर्मूला के थ्रू देख लीजिए क्या हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ है और 10% लॉस हुआ है। ठीक है, 10% प्रॉफिट हुआ, 10% लॉस हुआ है, बाय में 100, ये हो गया 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो क्या हो गया, 1% का लॉस होगा। याद रखिए जब भी दोनों सेम दिया रहे तो हमेशा लॉस ही होगा। ये तो मैंने फॉर्मूला के बेस पे बता दिया। आइए रेशियो मेथड चलते हैं, रेशियो मेथड देखिए क्या हुआ है मुझे, 10% का पहले प्रॉफिट हुआ है और फिर 10% लॉस हुआ है। तो मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस मेरा 10 रुपया है और सेलिंग प्राइस क्या है, मुझे 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 का अगर मैं 10% निकाल दूं तो 1 रुपया होगा, तो 1 रुपया प्रॉफिट हो जाए तो कितना होगा, 11 रुपये में बेचा होगा। 10 रुपये में कोई वस्तु खरीद के 1 रुपया प्रॉफिट लिया तो क्या हो गया, 10 का 1 रुपया बढ़ा दिया 11 रुपया, फिर 10 रुपया मैंने कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसमें 10% का लॉस हो गया, तो 10 का 10% क्या होगा, 1 रुपया, फिर लॉस हुआ है तो 9 रुपया हो जाएगा। ये देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, 99। तो मुझे कितना हो गया, अगर मैंने कोई वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा होगा और बेच दिया 99 में, तो 1% का लॉस हो गया मुझे। ये था रेशियो मेथड, ये था फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, ए परचेज एन आर्टिकल एंड सोल्ड किया बी को, अब बी ने क्या किया, एंड लॉस हो गया 20% का, अब बी ने क्या किया, फिर सी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, सी ने परचेज किया आर्टिकल को 480 रुपये में, तो इसको ए ने परचेज किया कितना में आर्टिकल, देखिए समझिए, मान ली तीन बंदा है ए बी सी। ठीक है, ए परचेज करता आर्टिकल को और बेच देता बी को, कितना परसेंट लॉस पे, 20% लॉस पे। ठीक है, अब बी जो है बेचता है सी को, जिसमें क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है, सी परचेज करता है आर्टिकल को 480 रुपये में, ए करता है आर्टिकल खरीदा है और बेच दिया बी को 20% लॉस पे, तो मान लीजिए इसने खरीदा होगा 100 रुपये में, 100% खरीदा, इसको 20% लॉस पे बेच दिया तो क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, फिर बी ने क्या किया, सी को बेच दिया 20% गेन पे। अब अगर इसका 20% अगर हम निकाल लें, इसका 20% कितना होगा, देखिए 20% निकाला कैसे जाता, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं लेकिन ऐसे करने में टाइम लग जाएगा, एक 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 की खत्म 16% और पहले का 80% खुद, 16 और 80 कितना हो गया, 96%। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें समय लगेगा, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं उसका 20% निकालना, तो 10% मुझे दिख रहा है,
10% क्या होगा 8, क्योंकि सिर्फ एक जीरो ही तो हटाना होता है। 20% 16, तो 16% इसमें और बढ़ जाएगा क्योंकि 20% प्रॉफिट लिया है, 16% बढ़ गया, कितना हो गया 96%। अब क्या बोला, सी ने परचेस किया 480 रुपये में, तो सी ने 480 में खरीदा, यानी 96% का वैल्यू कितना है, 96% का वैल्यू है 480 रुपये। तो पूछा क्या है कि ए ने कितना खरीदा था, तो ए का वैल्यू कितना है 100%, तो इसका कितना टाइम सी 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना, अगर इसका 5 गुना करेंगे तो 500 रुपये। देखिए इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट, इससे थोड़ा लेवल बढ़ेगा, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, ठीक है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइगर जीएस टाइगर धनबाद, जो कि दिल्ली कोचिंग सेंटर है, किन्हीं को अगर ऑफलाइन क्लास करना हो तो आप सिटी सेंटर आ सकते हैं, ठीक है। और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इसके सेकेंड पार्ट में फिर लेंगे, फिर थर्ड पार्ट और फिर फोर्थ पार्ट। थैंक यू।